देख रहे हैं सच दर्शन। फाइल फोटो है 24 वर्षीय राहुल की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मंगलवार देर शाम स्मैक और गांजे का नशा करने वाले कई युवकों ने राहुल को चाकू और तलवार से गोद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार देर शाम आउटर दिल्ली के नागलोई इलाके में एक सुलभ शौचालय में काम करने वाली महिला शाम लता ड्यूटी पर थी, तभी कुछ युवक सुलभ के अंदर घुस गए और जब कई घंटों तक बाहर नहीं निकले तो महिला ने अंदर जाकर उन युवकों को देखा, जहां वो सुलभ के अंदर स्मैक पी रहे थे, जिसे देखकर महिला ने उन युवकों को मना किया और जबरन उन सभी युवकों को वहां से मारकर भगा दिया। बस यही बात स्मैक पीने वाले युवकों को नागवार गुजरी और नशा करने वाले युवक चाकू और तलवार के साथ कुछ और युवकों को लेकर महिला को मारने वापस आ गए। तभी अचानक महिला का 24 वर्षीय बेटा राहुल अपनी माँ से मिलने वहाँ पहुँच गया, जिसे देखकर नशा करने वाले युवक महिला को छोड़कर उसके बेटे पर टूट पड़े और ताबड़तोड़ चाकू और तलवार से महिला के आंखों के सामने ही उसके बेटे राहुल को लहूलुहान कर दिया, जहां अपने बेटे को बचाने बीच बचाव में महिला भी आई और वो भी घायल हो गई। वहीं हैरानी की बात तो ये रही कि वारदात के वक्त मौके पर सैकड़ों लोग भी तमाशगीर बनकर वारदात को होते देखते रहे, पर महिला और उसके बेटे की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। ऐसे में वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने खुद ही अपने बेटे को रिक्शे में बिठाया और हॉस्पिटल ले गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और राहुल दम तोड़ चुका था। वहीं राहुल अपनी माँ का इकलौता सहारा था, जहाँ उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और घर में उसकी एक बहन और माँ है। वहीं राहुल की अभी मंगनी भी हुई थी और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी, पर होने को कुछ और ही मंजूर था। वहीं सूचना पाकर मौके पर इलाके के विधायक भी पहुंचे और पुलिस से बातचीत की, साथ ही दुख की इस घड़ी में महिला और उसके परिवार को सांत्वना दी। मेरा नाम श्यामलता है, मैंने थप्पड़ मारा उन बच्चों के। मेरा बेटा 1.5 महीने में आज गया था, अचानक मेरा बेटा मेरी मौत थी, उन्हें मेरा बेटा मार दे। मेरा बेटा 1.5 महीने में आज गया, धमकी मुझे देखी मारने की नहीं। 1.5 महीने मेरा बेटा चला गया अचानक मेरे पास, मेरा बेटा गिर के मार दिया। मेरे बेटे तलवार मारी, इसमें एक भी दे रहे, मेरे बेटे तलवार मारी नीचे, मेरे बेटे मैं कहते देखू, मेरे बेटे चक्कू मार, मैं चक्कू पकड़े ना ना, मेरे बेटे करते गए, फिर मेरे बेटे तलवार मारी नीचे, तलवार लगी, मेरे बेटा चाहे गिर गया मेरे हाथों में। मेरे बेटे ने उसी टाइम 1 सेकंड में दम तोड़ दिया। मेरे बेटे ने कोई नहीं आया, सब भाग गए दूर दूर हो गए। मैं अपने बेटे में, मेरा बेटा मम्मी नहीं बिना बेटा तेरे दूर दूर, एक चक्कू काले कलर का था, एक चक्कू सफेद कलर का था, ऑस्ट्रेलिया था, अरे इतनी लंबी तलवार थी काले कलर की, तीनों ने मारा मेरा बेटा, तीन ले था, हाँ ग्रुप था पूरा साथ था, पर ले था तीन दिन हथियार, 15 जने थे, 15 दूर खड़े थे फाटक शौचालय में। मैं वहाँ ड्यूटी करती थी और वो पी रहे थे, वो पनीर आगे नहीं पीते, इसमें एक चमक चमक, मैंने मना करा ना, बोले अभी आए 5 मिनट में तेरे को भी छोड़ेंगे। और मेरी किस्मत खाई, मेरा मेरा बेटा पहुंच गया अचानक 1.5 महीने में आज गया था मेरे बेटा। सजा नहीं, फांसी चाहिए, फांसी वो भी जाने चाहिए, दुनिया वाला वही था, वही पालना था मारो, हमारे माँ बेटे को हम फांसी चाहते हैं। एक औरत सुलभ शौचालय में काम करती है, वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो स्मैक पी रहे थे, कुछ वो कर रहे थे, गंदगी फैला रहे थे, उनको रोकने के लिए उसने ये कहा भाई तुम यहाँ से चले जाओ, या गंदगी मत फैलाओ, हर समय भी नहीं पियो, जिस नशा कर रहे थे। लेकिन वो लड़के नहीं माने तो उस औरत ने उनको धमका दिया, और धमका का पता नहीं उसके साथ मतलब थोड़ा, तो वो 10-15 मिनट में ही वापस आए, तलवार चक्कू लेकर आए, और उन्होंने उस जो उसका लड़का भी बाई चांस पहुंच गया वहाँ, वो लड़का वहाँ था नहीं पहले, वो घर पे वो अपनी माँ को लेने के लिए आया था, लेकिन जैसे वो लड़का वहाँ पहुंचा तो उन्होंने उसे चक्कू पर वार कर दिया और उसके बाद उसको उसकी माँ ही उठा के ले गई। फिलहाल नागलोई थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के नागलोई इलाके से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।